ये लेकिन इसमें जो अहम बात है मैं 3 नवंबर के हवाले से करूँगा कि 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी प्लस यानी आयन पाकिस्तान की दूसरी मरतबा तोड़ने के खिलाफ 7 सितंबर 2009 को पार्टी पाकिस्तान के जमीन आर्टिकल 1 के तहत जनरल प्रोविजन और उसके दीगर के खिलाफ लड़ाई के लिए इंतजार के लिए क्या मजबूरी है। छोटी सी बात होती है तो नवाज शरीफ की पार्टी दूसरी पार्टी तहरीक इंसाफ अदालत में चली जाती हैं, मीमू होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं, गैर दूसरी बातें होती हैं, तो ये अदालत में भाग जाते हैं। तो अब क्या बात है, क्या मजबूरी है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये क्यों नहीं गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। साफ समझ आती है कि अब वो जो बादशाह हैं जिन्होंने इनको खुद वहाँ पनाह दी थी उनसे इशारा हुआ है कि भाई मत छेड़ो इनको, तो ये हम सब खामोश है। हालांकि बात सीधी है कि जिन्होंने आइन तोड़ा है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आप ये बात गौर कर लें कि मेरी वो वाइट पिटीशन है कि जिसमें मैंने तमाम कोर कमांडर जो उस वक्त थे उनको पार्टी बनाया है, जिसमें जो चीफ जो उस वक्त वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इशफाक यानी, वो भी मेरी इस पिटीशन में जो है वो मेरे मुद्दे हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि किसी शख्स चाहे वो कोर कमांडर हो चाहे वो फौज का जनरल हो उसको आइन का तोड़ने का कोई हक हासिल नहीं है। और जो भी शख्स आइन तोड़ता है चाहे वो कल जैसे हुआ था या 29 अप्रैल को होगा, इनसे पूछे ना, इनसे पूछे। आप छोटी छोटी बात पर तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, मुकदमा चलाए जाए कि क्या मजबूरी है, इनसे पूछे ना। किसी की बादशाह की मजबूरी है या अमरीका की मजबूरी है तो उसको आप लोग एक्सपोज करें, क्योंकि आप वो लोग हैं जो इस मार्चे का सबसे अहम हिस्सा है और आप भी वो लोग हैं जो इनको जो है एक्सपोज कर सकते हैं। तो अब आपकी वजह से मैं आखिरी बात जो कहूँगा और उसके बाद जो भी आपका सवाल जवाब होगा अब हाजिर हैं, अब मार्चे के लिए आपसे हर बात जवाब देने के तैयार हैं। अब जो मैं आपकी वजह से यहाँ हमारे कुछ फरायज हैं, सियासी पार्टी के फरायज हैं, वहाँ आवाम के भी कुछ फरायज हैं। जो आवाम हैं जिसमें मजदूर हैं, किसान हैं, तुलबा हैं, आम लोग हैं, अमीर हैं, गुरबा हैं, उनके भी कुछ हकूक हैं जिनसे हम आपकी वसात से दरख्वास्त करना चाहते हैं। वो ये है कि जनाब मुझे इल्म है कि बरसर कदार टोले जागीरदारी और ब्यूरोक्रेसी के मफाद को आखिरी जंग के लिए मुतहद करेगा। एक बार मेहनत कश अपने मफादात से आगाह हो जाए और ये बात समझ लें कोई दूसरा उनको ये सच एक दिन सच चढ़कर बोलेगा और कुरान तबका के मकरफ रेप और झूठे वादे एक दिन जरूर बेनकाब होंगे। मुल्क की मुराद ये है कि वो खुद को इस मुल्क की हुक्मरानी का अहल नहीं समझता है। ये आपकी अक्सरियत वो नहीं समझते हैं तभी वो उम्मीदवारों की सूरत में नहीं। आपके असासों की शक्ल में यही बैरियर है ना, ये बैरियर भी दूर हो सकता है। ये बैरियर इस तरह दूर हो सकता है कि आपके लोग अगर ये फैसला करें कि जनाब हम बैनर से, होर्डिंग से, तशरी मोहमों से नहीं मुतासर होंगे बल्कि मुतासर हम उम्मीदवार की शख्सियत से होंगे, उसके काम से होंगे, लोगों के साथ जिसमें इवन मैं कहता हूँ मुतवस्सत तबका ही इंकलाब लेके आया, अमीरों को तो छोड़ ही नहीं, अमीर किसी इंकलाब का कैटलिस्ट अमल अंगेज उमराना तबका नहीं होता। किसी भी मुल्क में इंकलाब लाता है गरीब तबका, महरूम तबका होता है। अब महरूम तबका अगर इंतजार करता है कि ये सर पीछे कैमरा कर लेना है, सर कैमरा तो पीछे करना है। आपके असासों की शक्ल में यही बैरियर है ना, ये बैरियर भी दूर हो सकता है। ये बैरियर इस तरह दूर हो सकता है कि आपके लोग अगर ये फैसला करें कि जनाब हम बैनर से, होर्डिंग से, तशरी मोहमों से नहीं मुतासर होंगे बल्कि मुतासर हम उम्मीदवार की शख्सियत से होंगे, उसके काम से होंगे, लोगों के साथ जिसमें इवन मैं कहता हूँ मुतवस्सत तबका ही इंकलाब लेके आया, अमीरों को तो छोड़ ही नहीं, अमीर किसी इंकलाब का कैटलिस्ट अमल अंगेज उमराना तबका नहीं होता। किसी भी मुल्क में इंकलाब लाता है गरीब तबका, महरूम तबका होता है। अब महरूम तबका अगर इंतजार करता है कि ये सर पीछे कैमरा कर लेना है, सर कैमरा तो पीछे करना है।